गुड मॉर्निंग इंडिया, मैं हूँ गुरप्रीत और आज की ये वीडियो मेरे बच्चों के लिए। बच्चों, लाइफ बहुत चेंज हो रही है। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, आप अपने डिसीजन खुद लेने लगे हो और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं और अपनी जिंदगी के हर मोड़ के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। पर बच्चों, आज जो डिस्कशन मैं आपसे करने आई हूं वो बहुत इम्पोर्टेंट है आप सब के लिए, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौर में जिस डिप्रेशन, जिस मेंटल सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को बहुत बैलेंस करके चलें, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलें। क्योंकि इधर बीच में आप रिसेंटली बहुत से ऐसे केसेस हमने देखे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में हार मानी। तो बच्चों, जिन्होंने हार मानी, उनकी सिचुएशन क्या थी, उसी से आहत होकर मैं आज की ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे बहुत दुख लग रहा है उन सबको लेकर, क्योंकि सब बच्चे बहुत प्रेशियस होते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। आपको पता है, आपकी जिंदगी, आपकी मुस्कान, आपकी हर खुशी आपके माँ बाप की जिंदगी में सबसे नायाब तोहफा है। जब आपने पहली बार इस दुनिया में कदम रखा था ना, तो वो दिन आपके पेरेंट्स की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। बच्चों, जब आपके नन्हे हाथों ने आपके पापा का हाथ पकड़ा था और चलना सीखा था, वो पल सबके लिए खास था। जब आप पहली बार स्कूल गए और आपकी माँ ने आपको प्ले ग्रुप या स्कूल में जब छोड़ा था, तो वो बाहर बहुत देर तक खड़ी होकर रोई थी, क्योंकि वो आपसे दूर रहना नहीं चाहती थी, वो आपको अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। लेकिन उन्होंने आपकी भलाई के लिए आपको स्कूल भेजा ताकि आप कुछ अच्छा सीख सकें। जब आपके पापा आपकी किसी इच्छा को पूरा नहीं कर पाए ना, कोई महंगा टॉय लेके आपको नहीं दे पाए या कोई आपकी डिमांड नहीं पूरी कर पाए, तो इस बात का अफसोस उन्हें हमेशा रहा। पर यकीन मानो बच्चों, उन्होंने अपनी जिंदगी से कई 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 गुना आपको बहस देने की कोशिश की है। जो उन्हें नहीं मिल पाया, उन्होंने वो भी आपको दिया है। मानो या ना मानो, आपके पेरेंट्स आपको दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और आज ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि आप उनसे बात नहीं करना चाहते या उनसे शेयर नहीं करना चाहते? अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद पापा नहीं समझेंगे या मम्मी नहीं समझेंगी, एक बार ट्राई करके जरूर देखो। हो सकता है शायद जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं हो, आपके मम्मी पापा आपको बहुत अच्छे से समझते हो, तो उनसे बात करो। बच्चों, दुनिया की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आपके मम्मी पापा उसका सल्यूशन नहीं ढूंढ के दे सकते या आपको कुछ ना कुछ उसका हल जरूर बता सकते हैं। आपके पास इतने सारे फ्रेंड्स हैं, उनमें से कोई तो एक खास होगा ना जिसे आप अपनी बात कह सको। आपके टीचर्स, आज की इस लॉकडाउन की सिचुएशन में बीइंग अ टीचर, मैंने ये देखा कि मेरे साथ मेरे बच्चे और ज्यादा कनेक्ट हुए। तो एक कदम आप अपने टीचर की ओर भी बढ़ा सकते हैं विश्वास का, और बिलीव करिए
कि सल्यूशन मिलता है हर एक प्रॉब्लम का। बच्चों, आपने कभी वो सांप सीढ़ी का खेल देखा है, जिसमें जब भी सांप काटता है हम वापस नीचे आ जाते हैं। पर आप सबको ये भी ध्यान रखना होगा कि उस समय पर गेम खत्म नहीं होता। हम फिर से डाइस को फेंकते हैं और फिर से नंबर्स आते हैं, हम फिर से मूव करते हैं। तो प्रॉब्लम जितनी बड़ी भी हो, उसका सल्यूशन हमें ही ढूंढना होगा, हमारे आसपास में, हमारे सराउंडिंग्स में। और कब पता उस लूडो के गेम में आपको सीढ़ी कब मिल जाए और आप वापस एक अच्छी सी पोजीशन पे पहुंच जाए। तो आज आप मेरे से प्रॉमिस करिए, अपने आप से प्रॉमिस करिए कि आप खुद और आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपस में शेयर करेंगे और उसका सलूशन निकालने की कोशिश करेंगे, ना कि हम उस प्रॉब्लम से भागें, डरें और सोचें कि नहीं, इसका कोई सलूशन नहीं है, अब तो सब कुछ ख़त्म। ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। हर एक नई शुरुआत होती है, हर एक रात का एक नया सवेरा होता है जो बहुत सी खुशियां लेकर आता है। और बिलीव मानिए, जब वो रात की काले बादल छटते हैं ना और सूरज की रोशनी आती है, तो वो बहुत सारी चमक लेकर आती है। तो वो चमक आपका भी वेट कर रही है। खुद का ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और हो सकता है किसी दोस्त को आपकी जरूरत हो तो उसके साथ भी समय बिताइए। बाय, फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो लाइक आप कर पाए तो करिए, इसे शेयर कर पाए तो प्लीज, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। बाय एंड टेक केयर।